दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग का रोमांच पूरी तरह से फैंस के दिलों में चढ़ चुका है। इस मेगा इवेंट के दूसरे एडिशन में पांचवा मैच गुजरात जॉइंट वर्सेस आरसीबी के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने गुजरात जॉइंट को 8 विकेट से हरा कर दूसरी बार जीत हासिल की। इस मैच में गुजरात जॉइंट पहले खेलते हुए केवल 107 रन ही बना सकी थी, जिसके बाद आरसीबी ने 12.3 ओवर में इस लक्ष्य को अचीव कर लिया। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आरसीबी के कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद गुजरात जॉइंट्स की टीम पहले बैटिंग करने उतरी। गुजरात जॉइंट्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही और इस टीम ने लगातार अंतराल में विकेट खोए और 50 रन तक आते आते 4 विकेट खो दिए। कप्तान बैथ मुनी ने साथ ही अन्य बैटर भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। हरलीन देओल ने 22 रन की पारी खेली, लेकिन वो भी 31 बॉल खेली और लय में नहीं दिखी। इसके बाद टीम की सबसे एक्साइटिंग प्लेयर एशले गार्डनर भी खास योगदान नहीं दे सकी। आखिर में दयालान हेमलता ने 25 बॉल पर नॉट आउट 31 रनों की इनिंग की मदद से गुजरात जॉइंट्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 107 रन बनाए। आरसीबी के लिए सोफिया मिलिंगसन ने 3 विकेट झटके और रेणुका सिंह को 2 सफलताएं मिली। दोस्तों, इसके बाद आरसीबी की टीम 108 रन के टारगेट से जवाब में खेलने उतरी और कप्तान स्मृति मंधाना ने आते ही तूफानी शॉट्स खेले और टीम ने देखते ही देखते पावर प्ले में ही 1 विकेट पर 47 रन बना डाले। सोफिया डिवाइन 6 रन ही बना सकी, लेकिन कप्तान स्मृति मंधाना काफी तेज तर्रार खेली। स्मृति मंधाना ने केवल 27 बॉल में 8 चौके और 1 छक्के से 41 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने केवल 27 बॉल्स में 8 चौकों की और 1 छक्के की मदद से 43 रन की पारी खेली। आरसीबी ने 72 के स्कोर पर मंधाना के विकेट को खोया, लेकिन इसके बाद शिबी ने भी मेघना 28 बॉल में 36 रन और एलिसा पैरी ने 14 गेंद में 23 रन की इनिंग खेलकर अपनी टीम को 12.3 ओवर में टारगेट तक पहुंचाकर दूसरी जीत दिलाई। इस धमाकेदार जीत के बाद आरसीबी ने अपना रुतबा कायम किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आरसीबी की टीम आसानी से प्लेऑफ में एंट्री कर जाएगी या दिक्कत होगी? कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें।